आज नौजवानों का सबसे बड़ा इशू क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि ना आपको पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, ना आपको इकोनॉमिकल स्पेस मिल रही है, और इंटरटेनमेंट हमने खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है, मैं नेक्स्ट स्किल का स्टूडेंट हूँ और बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी जो टोटल फील्ड है वो डिजिटल फील्ड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके रिलेटेड ये है कि एक तो हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो इसको फेवर कर रही हैं राइट नाउ। अभी सिर्फ पॉलिटिकल जो एजेंडाज़ हैं उनको लेके कभी भी हमारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, सोशल मीडिया वैसे ही मोस्टली जो है वो ब्लॉक्ड है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि देखें हम एज अ स्टूडेंट हम सिर्फ इस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाए, हम अपने ऊपर ही फोकस करें, अपने स्किल्स बढ़ा लें और बस उसी तरह से ब्रेन ड्रेन कर लें और बाहर चले जाएं, या फिर हमें चाहिए कि हम सियासी चीज़ों के अंदर भी पार्ट लें और हम जो है वो एक्टिविज़म भी करें अपना? अगर आप सो जाएंगे तो ये हुक्मरानों की जीत है, रियासती निज़ाम की जीत है। आप जाग रहे होंगे तो वो उनको झंझोड़ना आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये, सियासत जो है ना कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासत में आप अपने बुनियादी फंडामेंटल को एड्रेस करते हैं। अब आपने एक बात की, दुनिया देखिए कहाँ तरक्की कर गई है हमजा साहब, और हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं, एक्स को बंद कर देते हैं, हम फला चीज़ों को बंद करते हैं। अच्छा, आपने तो सियासी बुनियादों पे बंद किया ना। ये जो ऊबर वाला है इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये जो पांडे वाले हैं इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये जो हम ऑनलाइन करते हैं सारी चीज़ों के साथ वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? इससे आप आगे नहीं जाएंगे। देखिए डिजिटल के जो इशू के जो इशूज़ हैं उनका मुकाबला इल्मी बुनियादों पर करें, फिक्री बुनियादों पर करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को एजुकेट करें। ये क्या हुआ, आपने डंडा उठा लिया, तुमने ये सवाल उठाया है चलो हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, तुमने ये सवाल उठाया है चलो एक्स बंद कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए 8 फरवरी से लेके आज हमने हम एक्स को बंद किया हुआ है, हम सब वीपीएन के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कहते हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, दुनिया की डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है सर, आप इनको इनको अपॉर्चुनिटी दें यार। इनके अंदर अगर कुछ इश्यूज आ गए हैं उनको अब इनके एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। मैं कहता हूँ रियासत कंट्रोल जरूर करे, लेकिन रियासत ऐसे कंट्रोल ना करे कि इनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसी को बैन करके रख दे। बिल्कुल ठीक, वेल सेड। आप में से और कोई सवाल करना चाहे, आपका नाम क्या और सवाल क्या? बेटी सवाल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया कायनात है और मैं नेक्स्ट स्किल से जो है वो डीएमएम का स्किल ले रही हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। लेकिन बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो टोटली डिफरेंट थी। बीएस केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है, टीचिंग की मेरी फील्ड थी, लेकिन टीचिंग में तो बिल्कुल जॉब्स नहीं है। और अगर अब हम डिजिटल मीडिया की साइड पर भी आए हैं तो बजाय इसके कि हम आउट ऑफ कंट्री जो है वो बाहर के मुल्कों को इसका फ़ायदा दें, हम आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो हुकूमत को जैसे फाइवर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बाहर के मुल्कों ने बनाए हुए हैं, हमारे कंट्री को भी हमें अवेल करने चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकें। अभी हमजा साहब बैठे हैं, इनको भी पता है। मैं बहुत से ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो डिजिटल का काम जो है वो दुबई से बैठ के कर, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स बहुत लगा दिया आपने उनके बिजनेस के ऊपर। अच्छा, आपने इंटरनेट को उसमें मुअत्तल करना है, उसको सस्पेंड करना है, उनका तो सारा कारोबार ख़राब हो जाएगा। और ये रात का बिजनेस है सारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इनके लिए वो फैसिलिटेशन नहीं देंगे, इनको वो स्पेस नहीं देंगे, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये बेचारे अपने इनिशिएटिव कैसे लें, कैसे बिजनेस करें? अब आप मुझे बताएं, 37,500 रुपए सर इस वक्त मिनिमम वेज है पाकिस्तान। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जरा जाके प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट करें, देखिए लोग आपको कितने पैसे देते हैं, 20,000, 22,000, 25,000। ये चैनलों के अंदर जाके देखें लोगों को क्या पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, अब वो उसको कौन फॉलो नहीं कर रहा? क्यों नहीं रेगुलेटरी अथॉरिटीयां काम करती? क्यों नहीं वो इनको अकाउंटेबल करती कि भाई मिनिमम वेज ये है? मैं 10,000 रुपए पे टीचरें जो है ना हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाती हैं, 10,000 रुपए में, और उनका आने जाने का 10,000 रुपए लग जाता है। फिर उनके अंदर गुस्सा ना आए, उनके अंदर नफरत ना पैदा हो, उनके अंदर एंग्जाइटी ना हो, बेचैनी ना हो, स्ट्रेस ना हो। आज नौजवानों का सबसे बड़ा इशू क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि ना आपको पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, ना आपको इकोनॉमिकल स्पेस मिल रही है, और इंटरटेनमेंट हमने खत्म कर दिया। अब आपने अगर इंटरटेनमेंट लेनी है, स्पोर्ट्स करना है, तो अपने जेब में 8-10,000 रुपए रखें, किसी कमर्शियल आउटलेट में जाएं जहां जिम बने हुए हैं, जहां टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, जहां स्विमिंग बने हुए हैं। आप खेलों का मैदान लेना है तो पहले उसको किराए के ऊपर रेंट पे लें, फिर आप खेलने की कोशिश करें। हमने ये कौन सी दुनिया बना दी है?